हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18। दोनों ही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत ही बढ़िया है दोनों क्वेश्चन, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत ध्यान से करनी है। तो 16 क्वेश्चन तक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को भी इस चैप्टर के अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर आराम से इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ। बोल रहा है एक स्क्वायर पीस है ऑफ टिन, टिन एक कोई एलिमेंट होता है, उससे हमें मतलब नहीं है कोई भी हो। तो एक स्क्वायर का टुकड़ा है टिन का, जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। तो मैंने एक स्क्वायर का टुकड़ा ले लिया, इसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, इस तरीके से साइड है 18 सेंटीमीटर। बोल रहा है इट्स टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इससे मुझे एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं होना चाहिए, मतलब जो उसका जैसे जो घर होता है उसकी छत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आप थोड़ा इमेजिन कर लो। तो ये बॉक्स का जो टॉप है वो नहीं है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, और ये बॉक्स बनेगा कैसे? बोल रहा है हर एक कॉर्नर से ना एक स्क्वायर काट लिया, इस तरीके से, ऐसा हर एक कॉर्नर से ऐसा स्क्वायर काट लिया, ठीक है ना। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। अब ये तो कट चुका, ये गया ये गया ये गया ये गया, चारों कॉर्नर से स्क्वायर गए, जो बचा ना इसको फ्लैप बोल रहे हैं। फ्लैप को फोल्ड किया गया ऐसे 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 और ऐसे, तो ये एक बॉक्स बन गया जिसका टॉप नहीं है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, बोल रहे हैं स्क्वायर की साइड क्या रखी जाए। तो स्क्वायर आप काट रहे हो, उसकी साइड क्या रखी जाए ताकि जो बॉक्स का वॉल्यूम बने वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब स्क्वायर की साइड में क्या रखूँ, कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर काटूं जब बॉक्स बने उसका वॉल्यूम यानी उसके अंदर जो खाली जगह है वो मैक्सिमम हो, यानी कि मुझे वॉल्यूम को करना है मैक्स, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चंस पे भी, हमें फंक्शन हमारा वही होगा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना। तो मैंने मान लिया कि एक्स सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर काट लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो एक्स सेंटीमीटर का हमने क्या काट लिया, एक स्क्वायर काट लिया है ना, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर काट लिया और बॉक्स बना दिया। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम का क्वेश्चन है और मैक्सिमम होगा बॉक्स का वॉल्यूम, जिसको मैक्सिमम करना है हम उसी को फंक्शन बनाते हैं, है ना। यहाँ पर काम क्या होता है, पहले फंक्शन बनाओ, पहले फंक्शन क्रिएट होगा भाई, तभी तो सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम से मेन काम यही होता है, फंक्शन को क्रिएट करना। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये बॉक्स, जब ये मैंने फ्लैप्स को फोल्ड करा, इसको उठाया इसको उठाया इसको उठाया इसको उठाया, तो बॉक्स तो बन गया है ना। और बॉक्स का वॉल्यूम यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, ये बॉक्स कैसा बनेगा, क्यूबॉइड की शेप में ही तो बनेगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब मेरे को लेंथ क्या, ब्रेथ क्या, हाइट क्या पता नहीं है, वो पता करते हैं पहले। देखो लेंथ की अगर बात करूँ, एक्स तो यहाँ से गया, एक्स यहाँ से गया, 18 में से x x गया, तो कह सकता हूँ लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, यही तो होगी लेंथ 18 माइनस 2x। और ब्रेथ भी तो यही होगी, ब्रेथ भी यही होगी, टोटल 18 है, ये 18 है, तो ये x गया x गया, तो ब्रेथ कितनी हो गई 18 माइनस 2x हो गई। उसके बाद अगर हाइट की बात करें, देखो भाई जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये उतना ही ऊपर उठेगा जितना इसकी हाइट, जितना स्क्वायर की साइड है उतना ही तो ऊपर ये उठेगा, यानी कि जो क्यूबॉइड की हाइट है वो एक्स ही तो होगी, क्लियर हो गई ये बातें। तो एल बी एच आ चुका है, पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, दो बार आ रहा है 18 माइनस 2x इंटू एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर आपका यही होता है कि फंक्शन को क्रिएट किया जाए, जैसे ही फंक्शन क्रिएट होगा फिर उसका सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। पहले मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूँ, 18 माइनस 2x का इंटू एक्स। तो पहले करते हैं सिंगल डेरिवेटिव, डी वी बाई डी एक्स, इसको 1 इसको 2 मान लो, तो क्या होगा दूसरा सेम। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे पावर में एक कम, बेस का दोबारा, इसका होगा माइनस का 2, फिर प्लस, पहला सेम और इसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो डी वी बाई डी एक्स भाई कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 18 माइनस 2x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा, 2 2 माइनस 4x
और उधर क्या बचा 18 माइनस 2x, तो dv बाय dx, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x और ये हो जाएगा 18 माइनस 6x। सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब यहीं पर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ 1 और 2, तो क्या होगा दूसरा सेम 18 माइनस 6x सेम, इसका डेरिवेटिव माइनस 2, फिर 18 माइनस 2x सेम, इसका डेरिवेटिव माइनस 6। सॉल्व करो इसको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 12x, 18 सिक्स जा होता है 108 प्लस का 12x, तो 12x और 12x कितना हो गया, 12x और 12x हो गया 24x, माइनस का 144, इसमें से कॉमन आ रहा है कितना, 24 कॉमन आ रहा है 24 के टेबल में, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 पर आता है मेरे ख्याल से, ये 120 हाँ 6 पर आता है। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या है, मुझे डबल डेरिवेटिव का साइन बताएगा कि डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है ना, इसका मुझे साइन बताएगा। साइन बताने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू कैसे आती है, जब मैं सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखता हूँ। तो लिखेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए तो dv बाई dx शुड बी जीरो। dv बाई dx है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x का जीरो, तो एक बार 18 माइनस 2x को रखूँगा जीरो, एक बार 18 माइनस 6x को रखूँगा जीरो, यहाँ से x आएगा 9 और यहाँ से x आ रहा है 3, ठीक है ना। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालता हूँ मैं, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालता हूँ व्हेन x इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर 24 ये आ गया 9 माइनस 6, जो भी आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कितना आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, इसकी कैलकुलेशन क्या है मुझे उस बात से मतलब नहीं है, पॉजिटिव आएगा मुझे इस बात से मतलब है बस। और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, जब तीन पुट करा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 6, ये आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर तो ये होगा मैक्सिमम, ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमम, ये मिनिमा होगा और ये मैक्सिमा होगा। तो यानी कि जब आप 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटोगे तब आपको बॉक्स का वॉल्यूम क्या मिलेगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू, साइड ऑफ द स्क्वायर जब 3 सेंटीमीटर होगी तब आपको वॉल्यूम मिलेगा मैक्स, ठीक है भाई। कोई भी पार्ट आप अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी बिल्कुल 17 की तरह है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है जरा सा आप देखते हैं जरा। इसके अंदर बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है टिन की, लेंथ है 45 और ब्रेथ है 24, तो सेम ही है, वहाँ स्क्वायर था यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया, लेंथ है 45 और ब्रेथ है 24, है ना। टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विदाउट टॉप, यहाँ पर भी बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है, क्या करके बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक स्क्वायर से क्या करा, हर एक कॉर्नर से क्या किया गया, एक स्क्वायर काट लिया, बिल्कुल सेम है, वहाँ पर क्या था स्क्वायर है बस यहाँ पर रेक्टेंगल है ना, वहाँ पर भी स्क्वायर काटा था, यहाँ पर भी स्क्वायर काटा, यहाँ पर भी इसकी हमें साइड बतानी है कितने साइड का स्क्वायर काटूं ताकि जो इसका वॉल्यूम बने वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वॉल्यूम को ही क्या करना है मैक्सिमम, तो जिसको मैक्सिमम करना होता है वही हमारा फंक्शन बनता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है भाई। अब इसके अंदर लेंथ क्या होगी, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ आएगी, तो 45 में से 2x माइनस कर दो, 45 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी होगी, ये ब्रेथ होगी 24 में से, यहाँ पर भी 2x माइनस कर दो। और हाइट क्या होगी, वही इसको जब मैं फ्लैप करूँगा तो जो इसका साइड है उतनी हाइट होगी, है ना, हाइट हो गई x। तो वॉल्यूम क्या होगा, 45 माइनस 2x और 24 है यार ये, 24 माइनस 2x और हाइट कितनी हो गई x। तो जैसे ही आप फंक्शन बना लो, आपका अगला काम है उसका सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालना, है ना। जैसे ही फंक्शन क्रिएट होगा उसका सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 फंक्शन हो गए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 2 फंक्शन हो जाए, प्रोडक्ट रूल लगाना आसान होगा। तो dv बाई dx करूँगा, इसको 1 इसको 2 मान लो, पहले दूसरा सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2, फिर पहला सेम 45 माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव होगा 24 और इसका होगा 4x, है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं पूरा, माइनस 2 इंटू 24 हो गया माइनस 48x, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 4x स्क्वायर, 45 इंटू 24 होता है 1080, 45 इंटू 4 90, 180x
टू फोर ट्वेंटी 48x 224 माइनस माइनस प्लस 24 ज़ा 8x स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको पूरा सॉल्व कर दिया। अब ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स भाई, 8 और 4 ये हो गया 12x स्क्वायर, 48 और 48 हो गया 96, और 180 और 96 कितना हो जाएगा 6, 276x प्लस का 1080, इसमें से 12 कॉमन आ रहा है तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, 12 के टेबल में ये जाता है 12 2 24, 12 3 36 और प्लस ये जाता है 90 पर। ठीक है भाई, तो यहीं पर इसका डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। पहले डबल डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, 12 कितना आएगा, 2x माइनस 23, 2x। अब डबल डेरिवेटिव का साइन मुझे बताएगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन उसके लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिखेंगे टू फाइंड, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो मुझे dv बाई डी एक्स को रखना पड़ेगा 0। dv बाई डी एक्स आया था 12, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। पहले तो आप 12 को उधर निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है इधर, इसके फैक्टर कर दो मिडल टर्म, 18 5 होता है 90। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 18 माइनस 5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 18, एक बार x माइनस 18, एक बार x माइनस 5, एक बार x आ गया 18, एक बार x आ गया 5, है ना। अब डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जब डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, जब मैं x इक्वल टू 18 पुट करूँगा यहाँ पर, तो 18 2 36, यार ये तो पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये आ रहा है मिनिमा। और जब मैं डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, जब मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँगा, तो 5 2 10, तो 10 तो नेगेटिव आंसर आ गया, तो लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू, जब साइड 5 सेंटीमीटर काटोगे आप, तभी आपको बॉक्स का वॉल्यूम क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इजीली से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को बिंदास पूछ सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।